चीज हमने अपने में एक्सप्लोर किया था कि अलग अलग टुकड़ों में देखा था कि मैं चाहता क्या हूं, और उसी में एक बात एक्सप्लोर की थी कि मैं क्या नहीं चाहता। उसी के कंटिन्यूशन में हमने तीन चीजों को क्लब किया कि मैं तीन चीजें चाहता हूं, तीन से चौथी चीज है नहीं, है ना। तो कौन सी तीन चीज चाहता हूं? सही समझ चाहता हूं, सम्मान चाहता हूं, सुविधा चाहता हूं। इसके कुछ हमने सीक्वेंस भी बनाए थे कि सबसे ज्यादा जरूरी हमको लगता है समझ होनी चाहिए, उससे कम संबंध पूर्वक जीना है, उससे कम सुविधा। ऐसा हम इसलिए कह पाए क्योंकि सुविधा तो मुझे लगता है सबके पास है ही, मोर ऑर लेस कम ज्यादा है लेकिन सबके पास है। इसका अभी पीड़ा है हमारे पास, ऐसा हम चाहते हैं, और ये भी ध्यान आकर्षण होता कि ये हमको ज्यादा चाहिए, ये पहले प्रायोरिटी पे चाहिए। आगे हमने देखा कि समझ के रोशनी में ही संबंध पूर्वक जीना होता है, समझ के रोशनी में ही सुविधा का सदुपयोग होता है। वरना अभी बहुत से यंग लोगों को पता ही नहीं होगा कितने जोड़ी कपड़े उनके पास है। आपको पता है चौधरी जी? बताओ। नहीं पता ना? होता ही, हमको पता ही नहीं होता कितने जोड़ी कपड़े। क्यों? क्योंकि वो कपड़े जब खरीदने गए, वो सुविधा जब लेने गए, तो हमको ये पता ही नहीं था कितना चाहिए। जब कितना चाहिए पता नहीं तो ये कैसे कैलकुलेटेड होगा? फिर भी अगर कहेंगे कि चलो इटारसी जाने के पहले एक दिन तो वापस जाते आते इंदौर जाएंगे और मॉल जाएंगे, तो फिर लगता है कि एक हाथ तो ले ही लेते हैं। इंदौर आए हैं, इतना घूम रहे हैं, तो कुछ तो ले लें। क्यों? कैलकुलेट ही नहीं है ना कितना चाहिए, और कितना है उस पर ध्यान ही नहीं है। मुझे तो लगता है जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सामान के मामले में किसी के पास कोई कमी वैसा दिखता नहीं है। फिर भी क्या कारण है कि समृद्धि का भाव नहीं है हमारे पास, प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग ही नहीं आती? ऐसा क्यों हो गया? बल्कि कामना हमारी प्रॉस्पेरिटी की कब से है? बहुत लंबे समय से। जब भी नया साल आता है 31 दिसंबर को हम एक मैसेज करते ना, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस न्यू ईयर, तो मुझे लगता है ये आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि 10-20 साल से तो हम भेज ही रहे हैं या किसी के मैसेज हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये केवल भेजने के लिए औपचारिकता है क्या? ये वास्तव में कोई घटने वाली चीज है? तो बहुत से ऐसे शब्द है, बहुत सी ऐसी फीलिंग है, बहुत सी ऐसी चाहना है जिसको अभी समझ नहीं पाए हम, लेकिन आपस में काफी उसका शेयरिंग करते रहते हैं, चाहना एक दूसरे को देते रहते हैं, शुभकामनाएं देते रहते हैं। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो यहां तक तो बात हो गई थी कि सही समझ अगर है तो सुविधा का सदुपयोग होता है, तो संबंध पूर्वक निर्वाह होता है ना। तो एक प्रस्ताव है जो दर्शन की रोशनी में ही हमको सबसे पहली बार पता लगा, वो ये कि मैं केवल और केवल सुविधा के लिए अगर जीता हूं, मैं केवल और केवल सुविधा के लिए जीता हूं, तो इसको बोला जीव चेतना, एनिमल कॉन्शियस। इसको बोला जीव चेतना, क्योंकि विकास कहां होना है? मैंने कहा ना, इतने वर्षों के मानव के इतिहास में जिसको हमने विकास के रूप में पहचाना, उसको यही पहचाना है। विकास के रूप में क्या पहचाना है? डेवलपमेंट के रूप में क्या पहचाना है? सुविधा को पहचाना है। घर हमारे कितने बढ़िया हो गए। पहले मुझे याद आता था एक हॉल और छोटा सा किचन, लेट बात बाहर होते थे, नदी तरफ घूमने जाते थे लोग सुबह शाम, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। मुझे तो याद आता, मैं 3rd 4th में पढ़ता था तब ऐसा सैनरियो था, एक बड़ा सा हॉल, ज्यादा हो तो 2 कमरे, एक किचन छोटा सा होता था, कमरा ही हमारा स्टोर रूम हुआ करता था, किचन के लिए जरूर कुछ अलग से स्पेस होती थी, वहीं से सामान उठा के बिस्तर उठा के एक तरफ रख देते थे, बाहर कुछ दालान खुली जगह रहती थी 2 तरफ, और सारा वॉशरूम बाथरूम सब बाहर होते थे। तो हमने इतना मानव जाति ने इतना विकास तो कर लिया, क्या विकास कर लिया? कि सुविधा वाला भाग पूरा हो गया, जो शेष है वो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी उपलब्ध है धरती पे, इतना सामान उपलब्ध है, बल्कि कई बार लगता है जितना सामान चाहिए उससे ज्यादा हो गया। अजब यह कई बार कहते ही हैं, सारा कपड़ा बनाने की मिलों को बंद कर दें, सारे मॉल अगर बंद कर दिए जाएं, तो भी आदमी को 2-4-5 साल कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना हमारे पास पहले से है।
और अगर वो दुकानें और स्टोर खोल भी दें तो 10 साल तक फैक्ट्री में कपड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, इतना कपड़ा हमने बना के रख लिया है, इतने होजरी आइटम हमने बना के रख लिए। उसका छोटा मोटा प्रमाण ये दिखता है कि 2010-11 में हम लोग यहाँ आए, 12-13 में कुछ और परिवार आए, तो हम लोग को 4-5 साल तो कपड़े खरीदने नहीं पड़े। तब लगा कि इतना सारा था यार, गर्मी का समय गर्मी का निकाल लेते थे, ठंड के समय ठंड का निकाल लेते थे, या एक दूसरे का हम लोग शेयर भी कर लेते थे। तो ध्यान में ये आया, केवल सुविधा के लिए मानव जाति ने इतने साल लगा दिए और इसकी प्यास बनी रही। केवल इसके लिए अगर जीते हैं तो ये, इसको बोला जीव चेतना, जिसको जैसे हम कहते हैं ना, ये पूरा सेंटर है, ये पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो श्रद्धेय नागराज जी, जो इस पूरे दर्शन के प्रणेता हैं, उन्होंने एक नाम दिया इस पूरे कार्यक्रम को, पहचान के ऐसा जीने के लिए, क्या नाम दिया? मानव चेतना विकास केंद्र। मतलब ये एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, ये एक ऐसा केंद्र हो जहाँ पे मानव की चेतना का विकास होना बाकी है, वो होगा। तो चेतना को इवॉल्व होना है, चेतना का विकास होना है, बाकी सारे विकास हो गए। तो जो केवल जीव चेतना में जी रहा है, जो सुविधा के लिए जी रहा है, उसको बोला जीव चेतना। जीव चेतना में करते क्या क्या है हम? चार ही काम करते हैं। कैसे पहचानेंगे कि जीव चेतना में जी रहे हैं? चार ही काम करते हैं। कौन कौन से? आहार, खाना पीना, भोजन, निद्रा, सोना, तीसरा भय, डरना डराना, और चौथा थून, शरीर परंपरा को बनाने के लिए या शरीर को भोगने के लिए। ये चार काम जीव करता है, मींस एनिमल करता है, जानवर करता है। जीव चेतना क्यों बोल रहे हैं? केवल और केवल सुविधा के लिए जीना, उसको जीव चेतना इसलिए बोला क्योंकि जीव जानवर भी चार ही काम करते पाए जाते हैं। बहुत ठीक से अगर हम देखें तो कौन से चार काम करते पाए जाते हैं? वो खाना पीना करते हैं, खाते पीते हैं, फिर सोते हैं, और भय से संचालित होते हैं। भय से ही सारे पशुओं को, सारे एनिमल को या तो ट्रेनिंग दिया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। और मैथुन, शरीर परंपरा बनी रहे उसके लिए मैथुन करते हैं, प्रकृति सहज उनको, वो ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता। तो मैथुन बेसिकली है तो शरीर परंपरा के लिए, लेकिन अगर भोगने के लिए हो जाए तो सही समझ के अभाव में चारों चीज़ों को लाल इसमें इसलिए लिख दिया, इसका सदुपयोग समझ में नहीं आया। जीव चेतना में क्यों खा रहे मालूम नहीं। देखो, जीव या जानवर तो इसलिए खाता है, एनिमल कॉन्शियस बोला है इसको, जीव इसलिए खाता है क्योंकि जीव जिंदा रहना चाहता है। क्या करता है? जीने की आशा है उसमें, जिंदा रहना चाहता है। तो जीव को केवल आहार चाहिए, और जिंदा रहने के लिए चारों काम जरूरी है। शरीर को बचाने के लिए भय, भय से संचालित होता है, इसीलिए इसको बोला जीव चेतना। इसीलिए कई बार क्या होता है ना, हमारे पास बहुत सारा सामान रहता है, बहुत सारे पैसे भी रहते हैं, बहुत सारे रिसोर्स भी रहते हैं, लेकिन इतना सब रहने के बाद भी हमें को अपने को लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में कुछ छूट गया, मेरी ज़िंदगी में कुछ अभी अधूरापन है, कुछ तो बाकी है जो अभी मुझे अपनी ज़िंदगी में मिला नहीं है। ऐसा हर किसी को लगता ही है। मैं तो ऐसे भी लोगों को देखा जो महीने में 60-60 लाख रुपये, 1-1 करोड़ रुपये तक कमाए हैं, और ऐसे लोगों को भी देखा जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। मतलब 2,500-3,000 रुपये भी अगर रुपये के रूप में कमा लें, या मेहनत करके अपने खाने पीने की व्यवस्था कर पाते हैं, इन सबको देखने के बाद दोनों ही अच्छा, जो कम कमाते हैं उनको क्या लगता है? अभी हमारे पास पैसा कम है ना, इसलिए ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा और सुविधा बढ़ जाएगी तो अच्छा होगा। लेकिन जिनके पास सुविधाएँ ज़्यादा हैं, उनकी भी हालत देखी जाए तो उनके भी सारे कार्यक्रम इन चार जगह पर ही दिखाई देते हैं। इसीलिए इन चारों कार्यक्रमों को करने के बाद भी कोई तृप्ति मानव में तो नहीं है, क्योंकि तो मानव अपने को पहचानना चाहता है। मानव जीवों से एक हमने सेंटेंस कई बार सुनाई है, खासतौर से आदर्शवाद में हम एक चीज सुनते हैं, मानव इस धरती की सर्वश्रेष्ठ कृति है। ये सही बात है,
लेकिन ये ऐसा लगता है मेरे लिए कहा जा रहा है कि किसी दूसरे मानव के लिए कह रहे हैं? कायदे से कहा तो पूरे मानव के लिए, हर मानव के लिए कहा गया, किसी विशेष के लिए नहीं। लेकिन क्या हुआ, हमने मान लिया कि ये कुछ विशेष लोगों के लिए कहा गया है, जो कुछ विद्वान होते हैं, सोचने विचारने वाले होते हैं, या कुछ विशेष होते हैं, शायद मेरे लिए तो नहीं कहा। ऐसा भी कई बार हम मान लेते हैं और अपने को उस जगह से ड्रॉप कर लेते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं, केवल सुविधा में जीना जीव चेतना में जीना है। जीवों को इसमें जीना स्वीकार्य है, कोई दिक्कत नहीं उनको। हर जीव जानवर ऐसा जीते हुए जितना जीने की उसकी आशा है उसके साथ मजे में, उसको कोई टेंशन नहीं, इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। जीव इतना पाकर तृप्त हो जाता है। मानव के साथ ऐसा है क्या? मानव के साथ ऐसा है? इतने वर्षों से शरीर परंपरा बनी हुई है, हमारे यहाँ आहार पे इतना काम हो गया, वैसे भी इंदौर में बहुत काम हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है कई बार, क्योंकि मैं पहले छिंदवाड़ा में रहता था 10-11 साल पहले, या नागपुर में मेरा आना जाना होते रहता था, तो वहाँ जितना खाने पीने का वेरिएशन और स्टाइल है, यहाँ आने के बाद देखा कि अद्भुत काम हुआ है भाई। जैसे पहली बार सेव देखने गया तो 30-35 तरह के सेव, हमको 2 या 3 तरह के पता था, तो आहार पे इतना काम हो गया। कल्पनाशील है मानव, तो मानव कल्पनाशील होने के कारण काफ़ी काम हुआ, निद्रा पे भी बहुत काम हुआ, तो कुल मिला के जितना भी काम हुआ वो कहाँ चला गया? जीव चेतना में चला गया। चाहते कुछ और थे लेकिन काम यहाँ हो गया। ठीक है, अब इस पे आते हैं। अगर ये काम पूरे फ्रेम में हुआ है ना, ये पूरे फ्रेम में, ये केवल इस फ्रेम में अगर होता है तो जीव चेतना का है, ये फ्रेम में चला गया तो जीव चेतना है। इस कंप्लीट फ्रेम में अगर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको सुविधा भी चाहिए, ऐसा नहीं कि समझदार आदमी खाना नहीं खाएगा, ऐसा नहीं कि समझदार आदमी सोएगा नहीं, ठीक है ना। आदमी भय से मुक्त होकर जीना चाहता है, जो परिवार में समाज में हो पाता है, लेकिन शरीर को जिंदा रखने के लिए उसको आहार भी चाहिए, निद्रा भी चाहिए, मैथुन शरीर परंपरा को बना के लिए रखेगा। तो ऐसा जब ये पूरे सिनेरियो में करता है, सही समझ की रोशनी में सुविधा का उपयोग होगा, सही समझ की रोशनी में संबंध पूर्वक जिएगा, तो इसको बोला मानव चेतना। ये कहलाता है ह्यूमन कॉन्शियस। ठीक है, तो ये अपने में जांचिए, मैंने बार बार कहा, इसको भी छोटे रूप में लिख के कहीं रख ही देंगे 4-5 दिन तक, ताकि एक प्रपोजल है, इसको जांचिए कि एक एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव होने के नाते मैं अभी किस चेतना में जी रहा हूँ, मेरा क्या कार्यक्रम है और क्या होना चाहिए। मैंने कहा ना, मैं कैसे जी रहा हूँ और मैं कैसे जीना चाहता हूँ, तो इसको बहुत ठीक से अगर देखें तो अभी मैं ऐसे जी रहा हूँ, जीव चेतना में जीते हैं, मुझे स्वीकार नहीं है। मेरा सारा सर्च, सारी खोज इसी बात के लिए है कि कैसे मैं जीव चेतना में आ जाऊं, कैसे मैं समझ की रोशनी में सुविधा को इंश्योर करूं, कैसे मेरे जिंदे होने का पर्पस तो मुझे दिखे। ये तो जिंदा होने के कार्यक्रम है, जिंदा रहने के कार्यक्रम है। इसीलिए कई बार प्रश्न हम करते ही हैं कि अपने आप में जांचिए, क्या मैं अभी जिंदा हूं या जी रहा हूं, ऐसा कई बार प्रश्न करते ही है, ताकि हमारा ध्यान हमारे ऊपर चला जाए कि क्या मैं अभी जिंदा हूं या मैं अभी जी रहा हूं। अगर केवल इतना सा काम करता हूं तो मैं जी नहीं रहा हूं, एक छत के नीचे परिवार के सारे लोग हम अभी जिंदा है, जी नहीं रहे, क्योंकि अगर जी रहे होते तो परिवार में एक साथ जीने का मतलब सम्मान पूर्वक जीना, सम्मान पूर्वक जब जीते हैं तो जीने की खुशहाली है, आदमी आदमी के साथ खुश रह सकता है। ये समझ में आ जाए, संबंध क्या है ये समझ में आ जाए, अभी भाई भाई या भाई बहन या माता पिता, ये संबोधन है, संबोधन से हम वाकिफ है, किसको क्या बोलना है इसको हमको बताया जाता है, ये थोड़ी बताया जाता है कि भाई भाई संबंध है तो जीना कैसे है, ये कभी नहीं बताया गया। फिर एक बार दोहराता हूँ, आज हम जहाँ हैं परंपरा में जितना हमको मिला उसके साथ है, तो परंपरा में हमको क्या मिला,
कि एक माता से अगर दो बच्चे पैदा हो गए तो उनको ये सिखाया गया कि ये भाई भाई हैं या भाई बहन है। तो हमको परंपरा में संबोधन बता दिए गए, संबंध नहीं बताए गए कैसे जीना है। और ऐसे संबंध पूर्वक जीने का प्रमाण भी परिवार में नहीं दिखता। प्रमाण तो ये दिखता है कि दो बड़े भाई मतलब चाचा और पापा झगड़ते रहते हैं और हमको मम्मी क्या शिक्षा देती है, बेटा मिलजुल के रहो, प्यार मोहब्बत में रहो, मिलजुल के खेलो, आपस में चीज़ों को शेयर करो। और वो मुड़ के देखता है कि पापा तो नहीं करते ऐसा, पापा तो चाचा के साथ कुछ अलग तरीके से रहते हैं। तो उस बच्चे को लगता है, समझ में ही नहीं आता है कि दो भाई, क्योंकि उसको लगता है मेरे पापा भी किसी भाई के किसी के भाई है। जब वो आपस में जैसे जीते दिखेंगे तो उसके लिए वो एक लाइव एग्जाम्पल है। जब उसको ये नहीं दिखता तो उसको समझ में नहीं आता संबंध पूर्वक जीना कैसे। तो क्या प्रेरणा लेता है, बोलने को तो भाई बोल देता है क्योंकि संबोधन हमको कहाँ से मिला है, परंपरा से मिला है। जिस परिवार में हम हैं वहाँ बहुत से शब्द प्रचलित है। हमारे कंट्री में भाई बहन बोला जाता होगा, हो सकता है अमेरिका में ब्रदर सिस्टर बोलते हों, तो ब्रदर और सिस्टर भी केवल संबोधन बताए जा रहे हैं, उसका मीनिंग नहीं बताया जा रहा। मीनिंग कहाँ होगा, मीनिंग नाम में होगा या जीते जीते होगा, जीने में होगा, दो लोगों के साथ जीने में होगा। तो मीनिंग कहाँ होगा, दो लोगों के जीने में, फीलिंग में। इस पूरे कंप्लीट के साथ अगर जीते हैं, मैं समझ की रोशनी में सुविधा का उपयोग करता हूँ, मैं अगर खा भी रहा हूँ, नहा भी रहा हूँ, व्हीकल से कहीं जा भी रहा हूँ, तो मुझे पता है किसी कोई पर्पस है। तो पर्पस सुविधा का नहीं होता, पर इसका सारा पर्पस तो यही है। आप देख लीजिए सारे सुविधा, जितनी भी सुविधाएं हैं उसका पर्पस यही है। इस पर्पस के साथ हम जीते हैं तो हमको गिल्टी फील होती है, हमको अच्छा नहीं लगता, ये क्या कर रहे हैं हम। कई लोग बोलते सुनते हैं क्या कीड़े मकोड़े जैसे जिंदगी जी रहे हैं, आदमी है कुछ बढ़िया से जीना चाहिए। और ऐसे बढ़िया से जीने को काफ़ी तरीके से, काफ़ी तरह से एक्सप्लोर भी किया है। कई लोगों ने एक्सप्लोर किया, कुछ अलग करना है, ये तो नहीं करना है, ये नहीं करना, तो करना क्या। तो चाहते तो ये थे, हम संबंध पूर्वक जीना चाहते थे, सही समझ चाहते थे, लेकिन परंपरा में उपलब्ध नहीं होने के कारण कुल मिला के यही करते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। उसमें से कभी कभी कुछ प्रयास हुए आदर्श विधि, आदर्शवाद में, भौतिकवाद में, सारा प्रयास यहीं जाके खत्म हो गया। भौतिकवाद ने इसको बढ़ाया है, बल्कि आदर्शवाद ने क्या बोला, इसको छोड़ दो और फंस गए जी, खाना छोड़ दो, कपड़े छोड़ दो, दो पैर है फिर भी एक पैर पकड़े रहो। मुझे अब ये उज्जैन में कुंभ हुआ, वो मैं देखा कि एक भाई एक ही पैर पकड़े हैं, 7 दिन तक ऐसे ही रहेंगे, दो पैर हैं तो, और बॉडी का डिज़ाइन ऐसा है कि दो पैर पे बढ़िया खड़े रह सकते हैं, और पैर का डिज़ाइन भी ऐसा होता है कि वो आराम से 60-70-80 किलो जो है उसको बढ़िया बियर कर पाता है दो पैर पर ठीक से। इसको परेशान करो, शरीर को परेशान करो, सुविधा घटा दो तो अकल आ जाएगी। क्या बोला है भौतिकवाद में, ये बोला सुविधा बढ़ा दो अकल आ जाएगी। सारे स्कूल कॉलेज स्मार्ट हो गए, स्मार्ट क्लास हो गई, स्मार्ट बोर्ड हो गए, किसमें हुआ ये, भौतिकवाद में। वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा हो गया, बच्चों को खेलने के लिए एक फुटबॉल नहीं 10 फुटबॉल दे दो, बहुत सारी चीज कर दो। सुविधा बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई पर्पस तो निकल के आना चाहिए। पर्पस यहां से समझ में आता है। आदर्शवाद में क्या बोला, नहीं कम करो, दो ही जोड़े कपड़े रखो, लिमिटेड खाना खाओ, उपवास करो, एक दिन शरीर को आराम दो, पेट ठीक रहना चाहिए। क्यों ठीक रहना चाहिए ये पता नहीं, और उसके लिए प्रयास करेंगे तो टिकता नहीं हो, परंपरा नहीं बनती उसकी। अभी देखो परंपरा बनी नहीं पाती है, कई बार बच्चे वायलेंस घर में ही बहुत विरोध हो जाता है कि नहीं आप जो बोलेंगे हम नहीं करेंगे। हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते आने वाली पीढ़ी को, नई जनरेशन कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते कि उपवास करना नहीं करना, नया सामान खरीदना नहीं सामान खरीदना, एक कंप्यूटर है डेस्कटॉप है फिर भी लैपटॉप लेना है, एक मोबाइल 1 साल ही पुराना है फिर भी दूसरा लेना है। क्यों, अब तो कीपैड वाला हो गया, वो तो प्रचलन में ही नहीं है, अब तुमको स्मार्टफोन चाहिए। हम बता ही नहीं पाते कि सुविधा बढ़ाने से क्या होगा, लेकिन एक तबका वो है जो ये कहता है कि सुविधा बढ़ाने से अकल आ जाती है, समझ बढ़ती है। एक तबका वो है जो कहता है कि सुविधा घटाने से अकल आती है।
परंपरा में दोनों ही तरीके से अकल आई नहीं, समझ आई नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग फिर कैसे कहते हैं, अभी हमने बताया कुछ यूनिवर्सल मान्यता है जो ना हमारी पीढ़ी ने बनाए ना हमने बनाए, लेकिन हम उनको ढो रहे हैं। क्या ढो रहे हैं? एक मान्यता, शादी कर दो। ना उन्होंने जांचा ना हमने जांचा, अपने आने वाली पीढ़ी को वैसे का वैसा आगे दे देते हैं। क्यों? हमको मिला है बिना जांचे समझे, हमको भी ऐसे ही मिला है। अकल आनी आ रही, क्या करो, उम्र हो गई, शादी कर दो। अच्छा, शादी करने से क्या होगा? यही चार काम होंगे, पांचवा कोई काम नहीं होने वाला। लेकिन कुछ मान्यताएं समाज में हैं जिसको किसी ने नहीं जांचा, और वैसी की वैसी वो ट्रांसफर होती चली जाती है। सही की रोशनी में सारी मान्यताओं की जांच हो जाती है। हम इतने कैपेबल हो जाते हैं कि हम उसको ठीक से रिव्यू कर पाते हैं, बिना किसी को दोष दिए, बिना किसी के किसी को आरोप लगाए, बिना दुखी हुए हम उसका ठीक से एनालिसिस कर पाते हैं। वरना बहुत झंझट है। सही की रोशनी अगर ना हो तो सुविधा का मूल्यांकन करना बहुत कठिन है। अभी क्या होता, मैं तय करूंगा ना मुझे क्या चाहिए। सही की समझ नहीं हो तो क्या होता है, हम बताएंगे आपको क्या चाहिए। फंस गए। जिसको जितनी जरूरत है वो खुद अपनी समझ से तय करेगा, ये ज्यादा व्यवहारिक तरीका है। इसीलिए नई जनरेशन ने एक बात लिखी थी, हमको क्या चाहिए, स्वतंत्रता। किस बात की स्वतंत्रता चाहिए? हम तय करना चाहते हैं कि हमको क्या करना है, हम तय करना चाहते हैं कि हमारी सुविधा कितनी हो। इनको लगता है ये जो पुराने लोग है ना, इनका उम्र हो गया है, इनको को समझ में आता नहीं कि हमको क्या चाहिए, कितनी सुविधा चाहिए। ऐसे ही होता ना बेटा। तो किस बात की स्वतंत्रता? हमको समझ के करने दो ना, हम तय करेंगे हमको क्या करना है, कितना करना है। अच्छा, दिक्कत ये है ना, इनके ऊपर जो परंपरा बैठी उनको पता था ना, इनको पता है, तो स्वतंत्रता कब मनमानी में परिवर्तित हो जाती है पता ही नहीं चलता। फिर बड़े लोग क्या कहते हैं, बच्चे अब मनमानी करने लगे। बच्चे मनमानी नहीं कर रहे हैं, आपने उनको उतना योग्यता ही नहीं दिया। अगर आप योग्यता दिए होते तो आप खुद कहते कि बेटा आप तय करो, अब इस समझ की रोशनी में तय करो कि आपको क्या करना है, मानव के साथ क्या करना है और प्रकृति के साथ क्या करना है। और वैसा जब आप करते तो आपको जो फीलिंग आती ना, उसको आप कहते मैं स्वतंत्रता पूर्वक जी रहा हूं। हमारे यहाँ काफी सारे विज्ञान ग्रुप के जो बच्चे हैं वो लगभग इस लेवल पे तो सोच पाते हैं कि मुझे अपनी, उनको ये कहते हैं कि आप खुद तय करो कि आपको आदमी के साथ कैसे रहना है, प्रकृति के साथ कैसे रहना है, आप तय करिए आपकी कितनी सुविधा चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे के लिए तय करने जाते हैं, भले ही वो बाप बेटे के लिए करने जाएं, या बेटा अपने बेटे के लिए करने जाएं, या पति पत्नी के लिए करने जाएं, पत्नी पत्ने पति के लिए करने जाएं, तो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह आता है जहां पे लगता है कि नहीं, ये कुछ कम हो गया या कुछ ज्यादा हो गया, शिकायत रहती है। तो क्या कह रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी समझ की रोशनी में ही तय कर सकता है। सुविधा में हम एक नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकते। कल बात करेंगे क्यों नहीं हो सकते, बड़ा मुद्दा पूछा ही नहीं किसी ने। कल एक ओपन करेंगे मैटर, इससे हम बात करेंगे क्यों नहीं हो सकते। अभी इतना ध्यान रखिए, सुविधा में हम एक नहीं हो सकते। समझ की रोशनी में ही हर व्यक्ति तय करता है कि मुझे कितनी सुविधा चाहिए। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब हमारा ये पूरा शिविर कहां जाएगा लेके, छह दिन में आने वाले छह दिनों में हम कहां पहुंचना चाहते हैं, जीव चेतना से कैसे हम मानव चेतना तक पहुंच जाए, इसके लिए पूरा संवाद है, इसके लिए पूरा परिचय शिविर है। संवाद का मतलब ये सार्थक बातचीत, सार्थक वार्तालाप, ऐसी बातचीत, ऐसा वार्तालाप जो सार्थक है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, और एक मानव जाति के साथ, प्रकृति के साथ पूरकता के लिए। ठीक है, इतना ठीक है, यहां तक किसी को प्रश्न? हाँ बेटा पूछो। माइक मिलेंगे तो बेटा जो ऑनलाइन है ना वो लोग भी सुन पाते एक। हाँ आयुष, थोड़ा ध्यान दो। हाँ, आहार और निद्रा भी जैसे समझदार व्यक्ति के लिए जरूरी है, तो भय भी जरूरी है, भय को थोड़ा सा। भय शरीर को बचाए रखने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए।
उसको दर्द के रूप में कल बात करें, शरीर हो जब उसकी बात करेंगे तब आएगा इसमें। जीवन के रूप में तो मैं भयभीत नहीं रहना चाहता, है ना, जीवन के रूप में भयभीत नहीं रहना चाहता, लेकिन शरीर को बनाए रखने के लिए ही है, इतना हमको समझना है अभी। ठीक है, आगे बढ़े, और किसी का कुछ क्यूरीज है, कुछ प्रश्न है, कुछ शेयरिंग? बीच बीच में बताते रहें, ये सेशन थोड़ा भारी तो जाता है, खाना खाने के बाद ठंडी हवा से निकल के यहाँ आना, कम ठंडी जगह पे आना, थोड़ा मैं भी ताकत लगा रहा हूँ, आप भी लगाइए। कोई नहीं, अभी 15-20 मिनट बाद चाय आएगी, तो चाय आ रही है ऐसा सोच सोच के मन लगा के बैठो, आएगी तो 20 मिनट बाद ही है ना। पर वो गुड़िया यही बोल के गई कि मैं चाय लेके आ रही हूँ, तो वो अच्छा, जैसे ही चाय यहाँ है मुझे बता देना, है 3:45, अपन मेहर जो बोलेंगे मानेंगे, क्योंकि इनको अंदर बाहर दोनों का मालूम रहता है कि बाहर क्या चल रहा है अंदर क्या चल रहा है। बढ़िया, दीक्षा भी चाय पी के आई है, चाय पी के आए बेटा? नहीं, साथ में भी आएगी, बढ़िया। तो क्या कह रहे हैं, पूरा शिविर क्या है, जीव चेतना से कैसे हम मानव चेतना में संक्रमित हो जाए, कैसे इवॉल्व हो जाए, इसके लिए पूरा शिविर। इसमें कोई किसी का जबरदस्ती नहीं है, आप ऐसा जीना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आने के पहले भी आपकी स्वतंत्रता थी, आपके जाने के बाद भी स्वतंत्रता ही है, लेकिन हम इतना सा निवेदन करते हैं कि मिनिमम इतनी सूचना एज ए ह्यूमन बीइंग हमको होना चाहिए कि एक मानव होने के नाते हमको कैसे जीना। तो मानव होने के नाते जब भी हम जीने जाते हैं तो तीनों चीजों की रोशनी में जब हम जीते हैं तो उसको बोला मानव चेतना। जब ऐसे मानव चेतना में जीते हैं तो क्या रिजल्ट होंगे, है ना? तो जब समझ की रोशनी में सुविधा को इंश्योर करेंगे तो यहां एक घटना घटेगी, क्या घटेगी, इसको बोलते हैं उभय समृद्धि, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। जब भी धरती के साथ हम अपनी सुविधा के लिए काम करेंगे तो हमको सुविधा भी मिलेगी और प्रकृति भी कैसे बनी रहेगी, जैसी है वैसी बनी रहेगी, मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी, हवा बढ़िया साफ सुथरी बनी रहेगी, पानी शुद्ध बना रहेगा, जो हमारी अपेक्षा है ना कि विष मुक्त, कुछ कुछ बताया था आपने, प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण मुक्त रहे, विष मुक्त हमारा खाना रहे, शोषण मुक्त। अभी धरती का हम शोषण कर रहे हैं, जितना हमको चाहिए उससे ज्यादा हम खोद लेते हैं, धरती के अंदर का सारा मिनरल खोद के बाहर ले आए, वो कहाँ भर लिया, अपने अपने घर में, घर में जब जगह कम पड़ी तो कहाँ भर लिया, वेयर हाउस में, और कहाँ भर लिया, बैंक में, और कहाँ भर लिया, बैंक की FD, जगह कम लगती है, कागज में वो लिख के दे देता है तुम्हारे इतने रुपए जमा है, हम भी मान लेते हैं। तो ये सारा कहाँ से आया, सारा रिसोर्स जो आया वो धरती से ही आया। तो सही की रोशनी में अगर हम सुविधा के लिए काम करते हैं तो जितनी सुविधा है उससे ज़्यादा अगर हमारे पास है और उसका भाव अगर है तो उसको बोला प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी के लिए सामान भी जरूरी है, ऐसा थोड़ी कि हमको 8 जोड़ी कपड़े चाहिए तो 6 में ही काम चलाएंगे। अभी बच्चों की एक क्लास ले रहा था मैं, दीक्षा आप थे ना क्लास में, हाँ बीच बीच में नहीं थी, विवेक ग्रुप की क्लास थी, इनसे पूछा बताओ तुम्हारी उम्र के लोग क्या सोचते हैं साल भर में कितने जोड़ी कपड़े होने चाहिए, बढ़िया इन्होंने जवाब दिया, घर में पहनने के लिए जो कैजुअल ड्रेस होती है 8 जोड़ी होनी चाहिए साल भर में, मीन्स हर 1.5 महीने में खरीदेंगे। बोले हाँ ठीक है, गौशाला की एक अलग रहती है, स्विमिंग करने जाते उसके अलग होगी, फिर ना ठंड की कुछ अलग होती है, अच्छा हमको अच्छी बात है यार, फिर गर्मी की अलग होती है। हम लोग जब छोटे थे तो हमको किसी ने नहीं बताया कि समर का सूट अलग होगा, ऐसा बेचने वाले डिज़ाइन निकालते हैं, कपड़ा बनाने वाली कंपनी, कपड़ा बनाने वाली बेचने वाली कंपनियाँ डिज़ाइन निकालती, वो बार बार एडवर्टाइज करती है समर सूट, विंटर सूट, नाइट सूट, स्विमिंग सूट, पार्टी वियर, सामान बेचने का तरीका है। और हम सोच ही नहीं पाते कि किस मौके पे क्या पहनना चाहिए, तो हमको वो याद आता है, वो हमको जो उन्होंने गाइड किया ना वो याद आता है, अच्छा ये पहनना चाहिए। कई बार तो मैंने देखा बहुत से लोग अलमारी खोल के
खड़े रहते हैं बहुत देर तक, आज क्या पहनूं, आज पार्टी भी नहीं है, ठंड भी नहीं लग रही है, गर्मी भी नहीं लग रही है, बरसात भी नहीं हो रही है, अब क्या पहने, अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, मौसम बड़ा नॉर्मल है। फिर बड़ा खोज खोज के बहुत लोग थक जाते हैं तो अपनी पत्नी से या किसी से पूछते हैं, बताओ आज हम क्या पहने, इतना बुरा हाल है। मेरे को कपड़े पहनना है और मेरे को तय नहीं कर पाता हूं कि पहनना क्या है। छोटे छोटी सी जगह कंट्राडिक्शन है, छोटी छोटी सी जगह भ्रम है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सही की रोशनी में, सही समझ की रोशनी में जब मैं धरती पे काम करता हूं, सारा सुविधा कहां से आया, सारा सुविधा कहां से आया, धरती से है। तो जब भी हम कोई सी फैसिलिटी को इंश्योर करते हैं तो वहां उभय समृद्धि मिलती है, पेड़ पौधे भी बढ़िया बने रहते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ही क्या करेंगे, आज जो जिए हैं वही लाइव एग्जाम्पल यही है, पिछले 10-12 साल में इस पूरे कैंपस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पेड़ पौधे वनस्पति बढ़ी है। जो लोग शुरुआती दौर में आए वो जानते हैं, गाय भी 8 गाय थी, फिर वो 12-13 हुई, फिर 16 हुई, फिर 40-50 हो गई, फिर कुछ मर गई, फिर ऐसा करते करते आज हमारे पास 150 से ऊपर है, जिगलू भी कुछ पहुंच गई। तो समझ में आता है, ठीक से सही समझ की रोशनी में जब हम काम करते हैं, इसमें कोई इकोनॉमिक्स डेट करते ऐसा नहीं है, कोई लालच आ गया हमें कि केवल सुविधा बढ़ाना है। अगर ये काम करेंगे तो क्या होगा, हमारी गौशाला शायद 4 गुनी होना चाहिए, ऐसा लोग बोलते भी हैं, 10-12 साल से काम कर रहे हो, इतनी बड़ी गौशाला है तो क्या करें, गौशाला कितनी बड़ी रखनी है ये भी कैसे तय करेंगे, हमारी जरूरत से 30-35 लीटर हमको दूध लगता है, गाय का अपना कुछ खर्च है, 100-125 लीटर अगर बेच भी दें उसके बाद भी घी पनीर और बाकी चीज़ों के लिए बच ही जाता है। तो आवश्यकता से तय करेंगे तो हमको समझ में आता है कि प्रकृति पे कितने चीज़ों पे काम करके हम उभय समृद्धि को पा सकते हैं। वैसे ही जब सही की रोशनी में हम संबंध पूर्वक काम करते हैं तो यहाँ क्या मिलता है, यहाँ क्या हमको मिलेगा, क्या अचीवमेंट के रूप में हम देख पाएंगे, उभय तृप्ति, म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन। मैं जैसे जीता हूं, मैं किसी लालच में नहीं जीता, मेरा संबंधी भी सुविधा चाहता है, मैं भी सुविधा चाहता हूं, उसको भी मिले और मुझे भी मिले, इसको बोला उभय तृप्ति। संबंध पूर्वक जीने की एक इंडिकेशन है, एक आउटपुट है, सही की रोशनी में जब हम संबंध को पहचानते हैं, संबोधन को नहीं, संबंध को पहचानते हैं तो फलन में क्या निकल के आता है, उभय तृप्ति, इसी को बोला म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन। तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट हम चाहते ही हैं, पानी पीने के बाद चाहते हैं ना कि प्यास बुझना चाहिए, ऐसी अपेक्षा रहती है, खाना खाने के बाद हमको क्या लगता है कि भूख नहीं मिटना चाहिए, मिटती ही है स्वाभाविक रूप से। वैसे ही जब हम संबंध पूर्वक जीते हैं सही की रोशनी में तो इसको बोला उभय तृप्ति। ठीक है, यहां तक कोई प्रश्न है किसी का, थोड़ा आराम आराम से चल रहे ताकि कुछ चीजें सेट हो जाए। हाँ, इधर माइक दे दीजिए भैया को, अमित भैया को। हाँ अमित भैया, लॉन्ग प्रेस करेंगे हो जाएगा, ब्लू लाइट जलता है वो एक पहचान है कि ऑन हो गया। हाँ ठीक है भैया, एक प्रश्न है, ये जी तो आपने शब्द लिखा है पहले समझ है और फिर ये जीव के साथ लगाया चेतना और फिर मानव के साथ लगाया चेतना, ये चेतना को क्या कहा गया? बढ़िया, बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया। इन शॉर्ट अभी इतना समझिए, चेतना का सीधा सीधा कंसर्न हमारे विचार से। अभी जो भी विकास होना है, जो भी डेवलपमेंट होना है, जो भी ठीक होने वाला भाग, जो भी इवॉल्व होने वाला बात है, विचार में होना है। ठीक है ना, आगे हम थर्ड या फोर्थ डे बात करेंगे ही, लेकिन चूंकि अभी चूंकि प्रश्न है तो उसको पेंडिंग भी नहीं करना चाह रहा मैं। इतना ध्यान चला जाए कि चेतना है क्या, किसको ठीक करना है। तो मुझ में एक इंपॉर्टेंट फैकल्टी है जिसको मैं विचार कहता हूं, और यह भी ध्यान में आता है कि मैं ये विचार 24 घंटे करता हूं, बंद नहीं होता, ऑन ऑफ नहीं होता विचार,
कम और ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना। तो सारा कंट्राडिक्शन जिसको मैं बोलता हूं, साला अंतर्द्वंद जो है ये कहां पर है, मेरे विचार में ही है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आपको लगा कि मैं इतने दिनों से जुड़ा हूं, ऑनलाइन जो हूं, कुछ चीजें सुनी हैं, देखी हैं, तो चलो परिवार के साथ जाके इंदौर में एक शिविर करते हैं। कुछ अनुकूलता भी हो गई पिछले एक दो सालों से कोरोना के कारण, तो आप यहां आए। तो इसका सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले एक विचार बना आप में, विचार बना ना, चलना चाहिए। तो अभी जैसा हमारा विचार होता है वैसा ही हमारी भाषा होती है, और वैसा ही हमारा व्यवहार होता है, और वैसा ही हमारा कार्य होता है। तो काम किस पे होना है, चेतना पे। काम किस पे होना है, इसी को हम कह रहे हैं आगे चल के विचार। लेकिन अकेला विचार नहीं है चेतना, ये भी कह रहा हूं मैं, बट एक इंपॉर्टेंट फैकल्टी क्या है चेतना के रूप में अगर पहचाने जाएंगे तो क्या देखेंगे, विचार। ठीक है, ठीक है। ये कोर्स जब शुरुआती दौर में मैं बच्चों को पढ़ाता था, सेकेंड ईयर बीएससी एग्रीकल्चर में, इसको सेकेंड ईयर में लागू किया था हम लोगों ने, सेकेंड सेम और थर्ड सेम में, तो मैं अक्सर बच्चों से कहता था कि बेटा एक काम करो, मेरा एक होमवर्क हमेशा ध्यान रखो। तो बोले क्या है सर, आप जो भी सोचते हो ना, ये भी सब पढ़ाते थे उनको, जो भी सोचते हो, जो विचार करते हो, वो मुझे बताया करो, आपस में शेयर किया करो, और मन पड़े जब भी समय मिले मुझे भी बताओ। एक थोड़ा सेंसिटिव बच्चा था, लंच टाइम में आया, बड़ा नर्वस था, बोले सर एक बात करनी, मुझे बताओ। बोले लगभग हर क्लास में आप ये कहते हो कि बेटे जो भी विचार कर रहे हो ना मुझे बताया करो, तुम उसके बारे में सोचा करो, शेयर किया करो। तो बच्चा कहता है सर मैं इतना घटिया विचार करता हूं कि आपको बताने में भी शर्म आती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मैं विचार कुछ और करता हूं, सोचता कुछ और हूं, क्या करता हूं, मेरे सोचने बोलने और मेरे सोचने बोलने करने और होने में कोई तालमेल नहीं है। मैं सोचता कुछ और हूं, बोलता कुछ और हूं, थोड़ी सी हिम्मत मैंने की तो केवल आपको इतना बता पा रहा हूं कि मैं नहीं बता पाऊंगा कि मैं क्या सोचता हूं। क्यों, क्यों नहीं सोच बता पा रहे हो? तो बोले मैं बहुत अच्छा नहीं सोचता हूं, बहुत घटिया सोचता हूं। तो सोचिए मैं जैसा सोचता हूं वैसा बोलूंगा तो ये सरल होगा, सहज होगा या कठिन होगा? सहज होगा। मैं जैसा सोचता हूं जैसा बोलता हूं वैसा करना व्यवहारिक होगा कि अव्यवहारिक होगा? व्यवहारिक होगा। अभी हम क्या है, सोचते कुछ और है और बोलते कुछ और है। जैसे मार्केटिंग से जुड़े बहुत लोग हमारे यहां आते रहते हैं, वो कहते हैं सर दो तीन शिविर कर ले तो हमको तो अपना काम बदलना पड़ेगा। हमने कहा ऐसा क्यों सोचते हो आप? सर उसमें हम सच बोल ही नहीं सकते, ये सच्चाई ये है, अगर उनको झूठ ना बोले, उनको डराए ना, तो हमारा बिजनेस ही नहीं चल सकता। तो हम कितना भी सोचे कुछ, लेकिन बोलना तो वही पड़ता है जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करे, जिससे वो क्या कहते हैं वो मेंबर बनाते रहते हैं, कौन सा मार्केटिंग अनिश भैया, एमवे चेन मार्केटिंग, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये सब करना पड़ता है उसमें कि देखो आप ना इतने रुपए लगा दो, दो साल में, बस दो साल में आप लखपति हो जाओगे, बैठे बैठे हो जाओगे, और कुछ नहीं करना, लो करना कुछ भी नहीं है, केवल इतने रुपए हमको लगा दे दो, फॉर्म भी हम ही भर देंगे, साइन कर देना हो आप तो, या साइन पहले ही कर दो, हम तो भर लेंगे बाद में, उसका भी टेंशन मत रखो। कितना बढ़िया लफ्फा जी हो गया, जोरदार। तो क्या हो गया, सोच तो रहे पैसा कमाने की बात, बोल बिल्कुल कुछ और रहे। इतना मुझे लगता है कि ये लोग कैसा मेहनत करते हैं और कैसे जिंदा रहते होंगे, बिल्कुल दो काम कर रहे हैं, जाना इधर चाहते हैं दौड़ इधर लगाते हैं, और रात को कैसे सांस लेते होंगे गहरी,
चलो रात को घर आए, अब किसी से कोई बात नहीं करना, मतलब देखो कितना चल। हाँ कुछ पूछ रहे बेटा। और बोलते भी नेट पर मार्केट में कि 7 पीढ़ियों तक का हम इतना पैसे देंगे, आपको ख्याल रखेंगे पूरा फैमिली का, ये सभी बोलते हैं। मैं गया था उनकी शिविर में इसके लिए। हाँ उनका शिविर मतलब परीक्षण में। हाँ उनके भी शिविर होते हैं। हाँ ये इसके शिविर होते हैं, जो सोचो बोलो मत। आप मानोगे नहीं, बिल्कुल सच्ची घटना कह रहा हूँ। पता नहीं ऑनलाइन हमारे डायरेक्टर देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा था, देखो अब तुम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हो, पूरी डिस्ट्रिक्ट तुमको संभालनी है, तुम जो सोचते हो ना बोला मत करो, अपने सबऑर्डिनेट को कभी मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। अब तब तक तो विद्या और शिविर सब मिल गई थी, तो मुझे लगा कि क्या हो रहा है, ये इतना बड़ा पत्थर कलेजे पे रख के मैं सुन लिया और रख दिया फोन। उसके बाद बहुत हिम्मत नहीं हुई उनसे बार बार बात करने की। मुझे लगा अगर यही ज्ञान है तो सोचो ये जो बिटिया ख्वाब देख रही है कि मैं सरकारी नौकरी में जाऊंगी और फिर सेवा करूंगी और फिर मुझे वो कुछ पद होगा और कुछ पावर मिलेगा, तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये है बेटा, नया बच्चा चाहे कॉलेज में एडमिशन लो फर्स्ट ईयर में, चाहे नया नया नौकरी में आए, वो तो बहुत मन से और ईमानदारी से काम करना चाहता है। ये जो ऊपर कुछ लोग बैठे रहते ना, जिनके पास परंपरा से भी कुछ नहीं मिला, उन्होंने भी कुछ पाया नहीं, वो कुछ नहीं करने देते, ऐसा मेरा अपना तो निष्कर्ष बना है, इसलिए आज मैं शायद यहाँ हूँ। अगर ये निष्कर्ष नहीं बनाता तो बड़ा कठिन होता कि हम आदमी की तरह जिए। आदमी की तरह जी नहीं सकते, एक सबऑर्डिनेट को आप आदमी मानते ही नहीं हो। एक अधिकारी या एक नौ मालिक एक आदमी को आदमी नहीं मानता। आपको मालिक बनना है तो बहुत आसान काम है, सबसे आसान काम, एक नौकर रख लो, अपने आप मालिक हो जाते हो आप। दिन भर वो आपको जी हजूरी करता रहता है और आपको पैसे मांगेगा, जब आप पैसे दोगे तो आपको अपने आप लगेगा कि मैं मालिक हो गया, कुछ नहीं करना है उसके लिए। एक मालिक खड़ा कर दो, नौकर खड़ा कर दो, वो नौकर जब जब आपके सामने आएगा तब तक आपको अपने मालिक होने का एहसास होगा, आप उसको आदमी मान ही नहीं सकते। तो क्या कह रहे थे हम, जैसा सोचते हैं वैसा बोलते ही नहीं है। जैसा इन्होंने बताया अपनी शेयरिंग में, जो बोलते हैं कि 7 पीढ़ी तक का आपको पैसा मिल जाएगा, इतनी सुविधा मिल जाएगी, इस पीढ़ी का तो हो नहीं रहा। इस पीढ़ी का कैलकुलेट करें तो इंटू 7 कर दें, अभी तो इस पीढ़ी का ही कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो इंटू 7 करें कैसे। ये ख्वाब दिखाना, कितना ख्वाब में जियो। तो कैसा जीना चाहते हैं, व्यवहारिक जीना चाहते हैं, रियलिटी में जीना चाहते हैं। ख्वाब की दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड में जीना स्वीकार नहीं है। अभी मैं कोई एक टीवी पे बहुत साल पहले बच्चे के कुछ वो होता है ना कार्टून देखते हैं, बिल्ली और चूहा, वो क्या टॉम एंड जेरी, बात करते हैं आदमी की भाषा में, बच्चे ऐसा देखते रहते हैं, बिल्ली कुछ बोलती है आदमी की भाषा में, वो चूहा कुछ बोलता है, टॉम एंड जेरी बात कर रहे हैं, उनके कॉमिक्स बन गए और बच्चे बढ़िया उसको पढ़ रहे हैं। अब सोचो बच्चा कल को कह दे कि अपने यहाँ की बिल्ली तो बोलती नहीं है, इसका एजुकेशन नहीं हो गया हुआ क्या, या इसका उस दोस्त कहाँ गया, वो चेरी कहाँ गई, ढूंढो उसको। वो तो गनीमत है, बच्चे से पूछते नहीं, जितना हम एजुकेट कर रहे हैं ना उनको, जितना एजुकेट कर रहे हैं, अगर वो प्रश्न करने लगे हमसे तो हमारे पास जवाब नहीं है, पूरा वर्चुअल वर्ल्ड है ये सारे गेम। कितना एग्रेसिवनेस बढ़ रहा है बच्चों में, जितने ये फाइटिंग वाले गेम है, गन से मारने वाले गेम है, ये कहाँ तक पहुँच गए उनके, पूरा एग्रेसिवनेस वहीं से आ रहा है, कैसे किसी को मारना है, वो बिल्कुल वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा करके देखते हैं, और उनको कोई तकलीफ नहीं रियल वर्ल्ड में कुछ हो जाए तो, क्योंकि उनका ट्रेनिंग उनका एजुकेशन वैसे ही हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं, जैसे सोचते हैं वैसे बोलते नहीं है, अव्यवहारिक बाधा। पहला हर्डल यहाँ खड़ा हो गया, पहला हर्डल यहाँ खड़ा हो गया, जैसा बोलते हैं वैसा करते नहीं, मतलब जैसा सोचते हैं बोलते हैं वैसा करते नहीं, जैसा सोचते हैं जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं वैसा होता ही नहीं है, होने के रूप में दुखी, पैसा कमा के सुखी हो जाएंगे, नौकरी पा के सुखी हो जाएंगे, स्वतंत्र होकर सुखी हो जाएंगे, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी होने के रूप में परेशान रहते, दुखी होते हैं। कई लोग तो स्वीकारते ही नहीं कि हम दुखी हैं, नहीं हम मजे में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर में बहुत आराम में है, क्या कहेंगे, होने को नकार देते हैं, होने को नकार देते। सच्चाई ये है, धरती पे कोई भी मानव अगर खुशहाली से जिएगा
सुख पूर्वक जिएगा, हैप्पीनेस के साथ जिएगा, तो उसका एकमात्र रास्ता यही है कि वो सही समझ के सम्मान पूर्वक जिएगा, सुविधा का उपयोग करेगा आवश्यकता अनुसार, तो ही वो खुशहाली से जी सकता है। कोई रास्ता नहीं है दूसरा शॉर्टकट, क्योंकि सबके लिए नियम एक सा है। मैंने कहा ना, प्रकृति के साथ जीने का एक नियम है और मानव का मानव के साथ जीने का एक नियम है। ये दोनों नियम को ठीक से पहचान, अच्छा ये नियम मेरा बनाया हुआ नहीं है या आपका बनाया हुआ नहीं है, श्रद्धेय नागराज जी ने उस नियम को पहचाना है और उस पहचान के वेरीफाई भी किया है कि क्या ये हर मानव ऐसा जी सकता है। तो आज हमारे पास ऐसा अनुसंधान, ऐसा निष्कर्ष उपलब्ध है जिसका एजुकेशन हो सकता है, जो मल्टीप्लाई हो सकता है। इसीलिए हम इतने कॉन्फिडेंस से कह पाते हैं, क्योंकि ऐसा हम जी कर देखे हैं। ऐसे तर्क हमने भी बहुत लगाते थे पहले कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, बहुत सी चीजें ऐसी है जो बोली बोलना नहीं पड़ता, अगर बोल देंगे कि ये तो आपकी टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही है तो इनको तो बुरा लग जाएगा। फिर हमको परंपरा से एक सेंटेंस मिला, सत्य हमेशा कड़वा होता है, और एक सेंटेंस मिला, हमेशा सच बोलना चाहिए। ये कहां से आया? निष्कर्ष, परंपरा से निष्कर्ष मिला मान्यता के रूप में। बिना जाने पहचाने हमारे परंपरा में पूर्वजों ने क्या बोला, हमेशा सच बोलो। फिर साल दो साल बाद समझाया, सच हमेशा कड़वा होता है। हम बड़े हुए तो बोले कौन झंझट पाले, इसकी बातें ही नहीं करना, बोलो तो झंझट, नहीं बोलो तो झंझट अलग करो, बोलने में क्या है, अपन भी बोल देंगे आगे चल के अपनी पीढ़ी को। बिना जाने पहचाने मान्यता बना ली और वो आगे ट्रांसफर हो गई। जो मेरे लिए ठीक नहीं है वो आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक हो ही नहीं सकता, और जो मेरे लिए ठीक है, जो मेरे लिए सहज है, जो मेरे लिए व्यवहारिक है, जो मेरे लिए शाश्वत है, सरल है, वो पूरी मानव जाति के लिए सहज है, शाश्वत है, सरल है। कितनी बढ़िया बात है। तो विचार के रूप में हम ग्लोबली हो सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? विचार के रूप में हम ग्लोबली हो सकते हैं। अभी हम ग्लोबली मार्केट के रूप में जुड़े हुए हैं, कहीं का सामान कहीं मंगा लो मिल जाता है। तो क्या कह रहे हैं, हम विचार के रूप में ग्लोबली हो सकते हैं, और यही हमारे एक होने का कारण हमको दिखता है, जिसको हम आगे, अच्छा मीर चला गया, आप इशारा कर रहे हो, ठीक ठीक है, हाँ टी ब्रेक का इशारा हो गया, ठीक है। तो इतनी बात पूरी कर रहे हैं कि सोचना, अगर जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, वैसा करते हैं, तो होना डेफिनेट है, क्योंकि रास्ता यहीं से निकल के आता है। भैया ने ठीक ध्यान दिलाया, अगर चेतना है तो उसको कैसे समझे, विचार के रूप में। काम इस पे करना है, तो आने वाले 6 दिन हम किस पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे। मन नहीं लगता है जी, कैसे विचार करें? लोग तो कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, ऐसा लगता कहीं बाहर रखी है, उसको लाके अपने में डालना है, इंस्टॉल करना है, जैसे वो एंटीवायरस अपडेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। सच्चाई को देखते चलना है, जितनी रियलिटी को हम देखेंगे उतना ही हमको ठीक ठीक पकड़ में आता है। चलिए टी ब्रेक करते हैं 10-15 मिनट का, उसके बाद फिर अगले सेशन को कंटिन्यू करेंगे। बाहर ही चाय रखी हुई है, बढ़िया चाय पी के आ जाइए। धन्यवाद, नमस्कार।